हेलो गाइस, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्यूटोरियल आशीष सर। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है वो आधारित है टेंस पर। टेंस जो हम जानेंगे जीरो लेवल से, बिगिनर्स के लिए मैं ये टेंस का सेशन अपलोड कर रहा हूं। इसके बाद में टेंस का एडवांस लेवल लेके मैं आपके सामने आऊंगा वीडियो सेशन के थ्रू। तो यहाँ ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उन बच्चों के लिए। बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा जो टेंस को जानना चाहते हैं। टेंस के कितने प्रकार हो सकते हैं, हर एक प्रकार की क्या पहचान हो सकती है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, ये तमाम डिस्कशन हम इस सेशन में करेंगे। तो आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो देखने के बाद में टेंस में आपको कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन, जिसमें हम जानते हैं कि टेंस के प्रकार कितने हैं। देखिए दोस्तों, टेंस की हम बात करते हैं तो हमारे जेहन में तीन चीजें सामने आती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं यहाँ पे। देखिए, दो तरीके की चीजें होती हैं, टू टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर। एक तो होता है टाइम और दूसरा होता है टेंस। कौन कौन सी दो चीजें बताई मैंने आपको? एक तो टाइम और दूसरा टेंस। टाइम है, उसके हम तीन प्रकार कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत गया है वो पास्ट है, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। इसको आप यूं समझिए कि ये जो वीडियो सेशन मैं अपलोड कर रहा हूँ ये प्रेजेंट में कर रहा हूँ। इससे पहले जो आपने वीडियो सेशन देखा है हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स का, बी पर जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स बताए थे वो पास्ट का हिस्सा है, और आने वाले समय में बी का जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड का दूसरा पार्ट मैं अपलोड करूंगा या फिर कोई अन्य टॉपिक पढ़ाऊंगा या टेंस का एडवांस लेवल लेके आऊंगा तो वो होगा फ्यूचर। तो टाइम को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में, लेकिन टेंस है वो केवल दो भागों में बटा है, प्रेजेंट और पास्ट। तो यहां टेंस ना जानकर हम जानेंगे टाइम, इन दोनों में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे टेंस दो ही हो सकते हैं, कैसे टाइम तीन हो सकते हैं, ये डिस्कशन में करूंगा जब एडवांस लेवल के टेंस की बात करूंगा। अभी आप इतना याद रखिए कि टाइम होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और टेंस होते हैं केवल दो, प्रेजेंट और पास्ट। फिर भी देखिए, हम टाइम का डिस्कशन यहां पे करते हैं। हम टाइम को बांटते हैं तीन भागों में। तो एक प्रकार हमने किया प्रेजेंट, एक पार्ट हम कर सकते हैं पास्ट, और एक पार्ट क्या कर सकते हैं? फ्यूचर। तो ये हमने टाइम के तीन प्रकार किए। बड़ा बेसिक से, बहुत जीरो से बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आपको आएगा। अभी हम क्या कहते हैं, जो हमने पढ़ा है, जो स्कूलिंग में हमने पढ़ा है, हमने इसके चार प्रकार देखे हैं। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के चार प्रकार देखे हुए हैं, पास्ट है तो पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, और फ्यूचर के भी इसी प्रकार से चार पार्ट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एस्पेक्ट्स। क्या कहते हैं? एस्पेक्ट्स। चलिए, मैं चार प्रकार में एस्पेक्ट, लेकिन वास्तव में एस्पेक्ट भी दो, वो डिस्कशन भी मैं करूंगा जब एडवांस लेवल के टेंस की हम बात करेंगे। तो यहां हम बात करते हैं चार प्रकार की। एक प्रकार कर दिया इनडेफिनेट, एक प्रकार हम कर सकते हैं कंटिन्यूअस, एक प्रकार कर सकते हैं परफेक्ट, और एक प्रकार कर सकते हैं क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हर एक टाइम के चार प्रकार, चार एस्पेक्ट में हमने डिवाइड किया, एक इंडेफिनेट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी प्रकार से हम पास्ट में लेके जाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 12 कंडीशंस ओवरऑल हमें यहाँ पे देखनी है। ओके, तो पहली कंडीशन में लेके चलता हूं यहां, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ये बताता हूं मैं आपको। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं हम यहां पे, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब देखिए दोस्तों, इस प्रेजेंट इंडेफिनेट को ही हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल। आप कैसे भी यूज कर लीजिए, प्रेजेंट सिंपल कहें, सिंपल प्रेजेंट कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहली बात, जब हम किसी भी टेंस के पार्ट की शुरुआत करते हैं, टेंस प्लस एस्पेक्ट जब हम जोड़ते हैं, हमने टाइम जोड़ा प्रेजेंट या टेंस जोड़ा प्रेजेंट और एक एस्पेक्ट जोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो ये पहला प्रकार हमारे सामने आया। सबसे पहली बात क्या है इसमें कि आप इसकी पहचान कैसे करेंगे और इस पर किस प्रकार के वाक्यों को शामिल किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो सेंटेंसेस हम यूज करते हैं वो सेंटेंसेस हैं
जो फ्रिक्वेंट होते हैं, जो बार बार में घटित होते हैं या परमानेंट होते हैं। कैसे एक्शंस को? या तो परमानेंट एक्शन है उसको, या फिर कैसे एक्शंस को? फ्रिक्वेंट एक्शंस को। कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन अगर परमानेंट है, हमेशा होता है, या फिर कैसा, जो फ्रिक्वेंट बार बार होता है, उनको हम शामिल करते हैं। जैसे कि कहिए कि मैं हमेशा वीडियो अपलोड करता हूं, तो हमेशा वीडियो अपलोड करता हूं मीन्स बार बार में, हमेशा, ये रिपीटेशन है, आज हो रहा है, कल होगा, परसों होगा, कल भी हुआ था, तो ये फ्रिक्वेंसी है। जीरो डिग्री से नीचे बर्फ में पानी तब्दील हो जाता है, पानी बदलता है बर्फ में जीरो डिग्री से नीचे, तो ये परमानेंट एक्शन है, ऐसा ही होता है हमेशा। तो ये क्या, ये चीजें जो है वो आएंगी प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो इसके लिए सबसे पहली चीज कि आप किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचान करेंगे कि दिया गया टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो इसके लिए देखो क्या होगा, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, वह हमेशा सच बोलता है, ओके, या फिर मैं अक्सर मंदिर जाता हूं, या फिर कह दीजिए वह प्रतिदिन पढ़ाई करती है। इस तरह के सेंटेंस है जिसमें देखिए बार बार में ये घटित हो रहा है, वह हमेशा सच बोलता है मीन्स सच बोलता है, कल भी उसने बोला, आज भी बोलेगा और कल भी बोलेगा। मैं अक्सर मंदिर जाता हूं, तो मंदिर जाने का काम देखिए अक्सर होता है मीन्स फ्रिक्वेंट है, और यहां वह प्रतिदिन पढ़ाई करती है, तो ये भी फ्रिक्वेंसी है कि प्रतिदिन हर दिन पढ़ाई करती है, ओके। तो ये जो एक्शंस हैं वो कहलाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्शंस। पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए देखिए लास्ट में आपको क्या मिलता है, ता है, या फिर क्या मिलता है, ता हूं या ती है। ये कुछ हिंट्स हैं जिनसे आप पहचान कर सकते हैं कि दिया गया टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमेशा होने वाले एक्शन, प्राय होने वाले एक्शन, प्रतिदिन होने वाले एक्शन क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई भी काम जो करता है, करती है, करते हैं, इस तरीके का आएगा, क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके लिए देखिए हमें क्या एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, क्या, सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी वन प्लस एस और ई एस प्लस जो भी आपको यहां पे जोड़ना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या एडवर्ब हो या कॉम्प्लीमेंट हो, वट एवर। तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी वन प्लस एस और ई एस। अब यहां कंफ्यूजन का बिंदु है कि वी वन और वी वन प्लस एस और ई एस दो चीजें हैं, कैसे सब्जेक्ट्स हों जिनके साथ वी वन लगे और कैसे सब्जेक्ट्स हों जिनमें वी वन प्लस एस और ई एस लगे। तो देखिए इसमें अगर सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है आई वी यू और दे, या फिर इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आपको मिलता है, तो एक और कोई जोड़ देते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, तब तो हमें जोड़ना है क्या, वी वन। और इसके अतिरिक्त अगर आपको मिलते हैं सब्जेक्ट जैसे ही मिला या शी या इट या किसी भी व्यक्ति का नाम या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इस स्थिति में आपको जो जोड़ना है वर्ब वो जोड़नी है वी वन के साथ एस और ई एस। तो इस बात का समाधान मैंने कर दिया है कि वी वन कहां पे आएगा और वी वन के साथ एस और ई एस कहां पे आएगा, ये फॉर्मूला हमें फॉलो करना होता है। और कुल मिलाकर हर एक पार्ट में हम चार प्रकार के सेंटेंसेस की बात करते हैं। कौन कौन से सेंटेंसेस? एकदम सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव, एक नेगेटिव सेंटेंस, एक इंटरोगेटिव और एक इंटरोगेटिव नेगेटिव। चारों प्रकार बताता हूं मैं आपको ताकि आपका बेस क्लियर हो, ट्रांसलेशन में दिक्कत ना हो और टेंस को आप जाने कि कौन सा टेंस है। तो यहां आपने जान लिया है कि ये फॉर्मूला फॉलो करना है। जो ऊपर मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं पहले मैं उन्हीं का बताता हूं कि ट्रांसलेशन कैसे होगा। सबसे पहले हमने जाना कि ये जो हिंट्स हैं, ता है यहां पे, ता हूं लगाया है या ती है लगाया है या ते है आता, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये क्रियाओं में होने चाहिए। ये जो हिंट वर्ड्स बताए हैं वो किसमें होने चाहिए, क्रिया के एंड में, तो ये कहलाएंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये फॉर्मूला फॉलो करना है, चलिए करते हैं इसको फॉलो और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो यहां हमने मान लीजिए सेंटेंस बनाया, पहला सेंटेंस है वह हमेशा सच बोलता है, तो वह सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, हमेशा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। अभी आप कहेंगे कि ऑलवेज का प्रयोग यहीं पे कैसे हुआ, एडवर्ब है
ऑलवेज का प्रयोग यहां एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हो सकता है अंत में भी आप कर सकते हैं, तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अक्सर मंदिर जाता हूं, तो आई ऑफन गो टू टेम्पल। और कहा जाए वह प्रतिदिन पढ़ाई करती है, शी स्टडीज एवरी डे। तो देखिए ये सेंटेंसेस निकल कर आते हैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन होता है, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। हमने क्या देखा यहां पे, जब ही का प्रयोग किया, ये सब्जेक्ट्स हैं, इसके बाद में हमें चाहिए थी वर्ब, तो वर्ब का हमने प्रयोग किया है, ये देखिए वर्ब है, यहां ये भी वर्ब है, यहां ये भी वर्ब है। अब यहां बीच में एडवर्ब का फंक्शन है, वो एक अलग बात है कि हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसलेट कैसे किया, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ही के साथ में क्या बताया था मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और यस ऐड होगा, तो ही स्पीक्स, आई होगा तो एस और यस हटेगा, तो गो, शी है तो एस और यस लगेगा, तो स्टडीज। ओके, इन्हीं को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए, तो आपको दो चीजों में थोड़ा सा समस्या आएगी, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट, अन्यथा हर एक प्रकार में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले से दी हुई मिलेगी। ये दो ऐसे प्रकार हैं, कौन कौन से, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और एक पास्ट इंडेफिनेट, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई होती है। तो यहां आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो हेल्पिंग वर्ब जब रिक्वायर्ड हो तो आप लेके आए डू को और डज को। तो क्या फॉर्मूला बनेगा फिर, अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको बनाना है सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस वर्ब प्लस जो भी आपको ऐड करना है। तो यहां पे सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस वी प्लस वर्ब प्लस जो भी आपको ऐड करना है वो लगा दीजिएगा। डजंट कब लगेगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, या फिर यूं कहिए जहां एस और यस ऑलरेडी होगा वहां पे डू अपना एस और यस ले लेता है। जहां प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि आई वी यू दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, वी वन। तो इसी को कन्वर्ट करना हो तो पहले वाला सेंटेंस बनेगा ही डजंट स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, ही डजंट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ही डजंट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहां एक बात याद रखिएगा, जब आपने डज यूज कर दिया तो फिर एस जो ईएस जुड़ा हुआ रहता है वर्ब में उसको आपको हटा देना है, तो हमने एस और ईएस को हटा दिया, स्पीक यूज किया है, स्पीक्स नहीं आएगा क्योंकि डज उपस्थित है, ऑलरेडी इसमें ईएस जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट लिया आई ऑफन गो, तो आई डोंट ऑफन गो टू टेम्पल। ओके, तीसरा सेंटेंस बनाना है तो क्या बनेगा, शी डजंट स्टडी, शी डजंट स्टडी एवरी डे। समझ में आ रहा है आपको, आपको क्या करना है कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड है, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेगी, डोंट और डजंट। डोंट कब लगेगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, और डजंट कब लगेगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट मींस ही शी इट नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से करना है। ओके, अब देखिएगा इसी को बनाना है आपको इंटरोगेटिव, जैसा कि मैंने कहा कि चार प्रकार देखने हैं। इंटरोगेटिव के लिए क्या करना है, इंटरोगेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। तो पहला सेंटेंस क्या बनेगा, डज ही स्पीक, डज ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, डज ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ओके, सेकेंड सेंटेंस क्या बनेगा, डू आई ऑफन गो टू टेम्पल। ये बना सेकेंड सेंटेंस, हमने क्या किया है, सिंपल सा काम किया है कि डू और डज को बाहर निकाला है हेल्पिंग वर्ब से। फोर्थ प्रकार जो होता है, फोर्थ टाइप जो होता है, वो होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का मिक्सचर। कैसे बनाएंगे आप, इसके लिए क्या करना है आपको, जो सब्जेक्ट है उसके बाद में नोट अप्लाई करें। तो यहां इसके लिए डज ही नॉट, डू आई नॉट, इस प्रकार से बन जाएगा। ओके, सब्जेक्ट के बाद में अप्लाई करना है, तो डज ही नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, डू आई नॉट ऑफन गो टू टेम्पल, ये बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके, तो ये पहला प्रकार हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें एक बात और याद रखिएगा, मैं फिर से देखो इसको लेके जाता हूं, एक सेंटेंस देता हूं आपको और उनको चारों में कन्वर्ट करना देखते हैं। जैसे आपको बोलना है कि एलिस है वो चेस खेलती है, तो एलिस प्लेज चेस।
इसी को बनाना है आपको नेगेटिव, तो क्या बताया मैंने आपको, नेगेटिव के लिए अगर एस और यस तो डजंट यूज कीजिए, तो एलिस डजंट, और चूंकि डजंट आ गया, डज आ गया, तो आप इसमें से एस हटा दीजिए, तो प्ले चेस। तीसरा प्रकार क्या, आप डज को बाहर निकाल लीजिए, तो डज एलिस प्ले चेस, और अभी भी प्ले का प्ले ही रहेगा, प्लेज नहीं, क्योंकि डज उपस्थित है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या, डज एलिस नॉट प्ले चेस। कई बार हम सुनते हैं डजंट एलिस प्ले चेस, वो भी बोल सकते हैं हम, लेकिन वो ग्रामेटिकली एक्यूरेट नहीं होता है। तो डज एलिस नॉट प्ले चेस, तो ये चारों प्रकार हमें हर एक प्रकार में देखने हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, और फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। समझ में आ गया आपको, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में फैक्ट्स भी आते हैं, फैक्ट्स भी आते हैं, जो भी आंकड़े हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि कहा जाए 100 डिग्री से ऊपर पानी उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है, सर्दियों में वस्तुएं सिकुड़ती हैं, तो ये चीजें जो बताई मैंने आपको, ये फैक्ट्स हैं। चर्चा करेंगे हम जब एडवांस लेवल की बात करेंगे टेंस के विषय में, अभी आप इतना जानिए कैसे ट्रांसलेशन करना है, कैसे पहचान करनी है। चलिए दूसरा प्रकार हम टच करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा प्रकार है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जा सकता है। ये एक ऐसा प्रकार है जो इनकम्प्लीट है, चला जा रहा है लगातार। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने का काम मेरा, पढ़ाने का काम आपका, पढ़ने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे इसका एक पहचान करने का तरीका है कि लास्ट में आपको सेंटेंस के अंत में या फिर वर्ब के साथ में, ऐसा याद रखिएगा, वर्ब के साथ में रहा है, रहे हैं, रही है, इस प्रकार के कुछ हिंट वर्ड्स आपको मिलेंगे जिनसे आप पहचान कर पाएंगे कि दिया गया सेंटेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ये पास्ट का तो है नहीं, क्योंकि है आ रहा है, और है जहां आता है, जो अभी भी है, इसका मतलब प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो रहा हूं आ गया, आप पढ़ रहे हैं आ गया, और मैंने कहा कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो रहे हैं आ गया, तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। क्या फॉर्मूला फॉलो करना है, तो इसके लिए सब्जेक्ट्स प्लस आपको ऐड करना है इज, एम या आर, प्लस आपको लगाना है वर्ब की बेस फॉर्म वर्ब वी जीरो प्लस आई एन जी, प्लस जो भी आपको ऐड करनी होगी यहाँ पे चीज हो, एस वी ओ सी ए में से ओ सी ए कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कैसा आपने यूज किया है। अब इसके लिए इज किस में लगाना है, जब भी ही आएगा, शी आएगा, इट हो, नेम हो, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब तक तो हमें ऐड करना है इज। जब बात करेंगे आई की, तो यूज करना है एम, और जब इनके अतिरिक्त कुछ भी होगा, यू होगा, वी होगा, दे होगा, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो आपको ऐड करना है क्या, आर। तो ये आप याद रखिएगा, आई के साथ में एम, सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी मानते हैं हम उनके साथ में इज, और प्लूरल सब्जेक्ट जो भी लेते हैं उनमें आर। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करना है। चलिए मैं बताता हूं आपको, जैसे पहला वही आपको चार प्रकार में जाना है, प्रैक्टिस करनी है, आपको ट्रांसलेशन आ जाएंगी, स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आपको लेके जाना है नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव के लिए मैंने क्या बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट ऐड कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, तो आई एम नॉट टीचिंग। फिर इंटरोगेटिव के लिए क्या बताया, इंटरोगेटिव फ्रेम करने का तरीका है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर लेकर आ जाइए, तो एम यहां पे हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके आए, एम आई टीचिंग, और अभी आप लेके जाइए इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो एम आई सब्जेक्ट के बाद में लगेगा नॉट टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग। तो ये चार सेंटेंसेस बनेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, समझ में आया। इसमें एक्शन कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट रहता है, प्रोग्रेस जारी है, चला जा रहा है। बाकी कैसे पहचान करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में जब आपके आते हैं तो एडवर्बियल हिंट्स आते हैं, कुछ एडवर्बियल्स मिलते हैं, वो डिस्कशन हम करेंगे बाद में। तो ये देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैंने आपको ऊपर तौर बताया कि कैसे हमें पहचान करनी है, कैसे फॉर्मूला बनाना है, कैसे चार सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा प्रकार, प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए परफेक्ट है, इसका मतलब इसमें जो भी काम आएगा वो कंप्लीट, पूर्ण कंप्लीट आएगा, इसमें जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया होता है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं यहां पे, ऐसे कार्य ऐसे एक्शन जो आपने कर लिए हैं, चला तो गया है पास्ट में, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी उसके बारे में है कि मैंने अभी खाना खा लिया है, खाना खा चुका हूं, मैंने वो लेसन पढ़ा दिया है, पढ़ा चुका हूं, तो आपने कर लिया तो है, किया तो है पास्ट में, लेकिन अब तक आपके दिमाग में है। तो ऐसी कोई चीज जो हो चुकी है पास्ट में लेकिन दिमाग में अभी तक है, आपकी स्मृतियां मेमोरीज हैं, तो वो चीजें जाएंगी प्रेजेंट परफेक्ट में। ऐसा क्या है, ऐसा क्या संकेत है, ऐसे क्या हिंदी के शब्द हैं जिनसे पता लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात आ गई। तो इसके लिए या तो आपको कोई भी काम कर लिया है ऐसा कोई संकेत मिलेगा, या फिर चुका है, चुके हैं, चुकी है, ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे। जैसे मैंने कहा मैंने पढ़ा लिया है, तो पढ़ा लिया है, वह उसने क्रिकेट खेल लिया है, लिया है, ओके। मैंने पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, हो गया है। मैं पैसे कलेक्ट कर चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, ये भी तो बोल सकते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कंप्लीट एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। क्या स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर नोट करिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस v3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, बात करेंगे जब वह पढ़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल प्लस जो भी आपको लगाना है। तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका। यहां पे v3 क्यों लगाया, एक ट्रिक बताता हूं याद करने की आपको, कि एच जहां भी आता है वहां v3, एच हेल्पिंग वर्ब का अक्षर एच, यहां देखिए एच है, यहां एच है, एच बनता है तीन लाइनों से, ये फर्स्ट फॉर्म, ये v2, ये v3, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तीन लाइनें हैं तो थर्ड फॉर्म आएगी, जेहन में रखिएगा, ट्रिक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन पक्का है, याद रहेगा एकदम बिना किसी अपवाद के है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस v3 प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हैज कब लगाना है, जब ही, शी, इट, नेम या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको यूज करना है हैज, और अगर आपको दिया हुआ है यू वी दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है तो आपको यूज करना है क्या, हैव। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैज, याद रखिएगा ये फॉर्मूला यूज करना है। एक सेंटेंस की सहायता से जानते हैं कि कैसे हम इनके चार प्रकार बना सकते हैं। मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है तो आई, फिर सब्जेक्ट आई में क्या लगेगा, हैव। पढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, टीच। वी थ्री यूज करना है तो क्या करेंगे, टॉट, आई हैव टॉट द टॉपिक, आई हैव टॉट द टॉपिक, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है। अब इसी को बनाइए नेगेटिव, मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया है तो आई हैव नॉट टॉट द टॉपिक। बनाइए इंटरोगेटिव तो किसको बाहर निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, तो हैव को बाहर निकाला, क्या बना, हैव आई टॉट द टॉपिक, और इंटरोगेटिव मार्क, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या बताया मैंने आपको, सब्जेक्ट के बाद में, तो हैव आई नॉट टॉट द टॉपिक। तो ऐसे चार सेंटेंसेस बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के। हमने तीन चीजें पढ़ ली हैं, नंबर चार की हम बात करते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट का अंतिम जो पार्ट चलता है वो होता है प्रेजेंट, फिर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट एस्पेक्ट तो है लेकिन इसमें चीजें जारी रहती है, इनकम्प्लीट है ये, परफेक्ट मतलब पूरा नहीं हुआ है। तो जैसे कि मैं कहूं कि मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, ओके, आप कहें कि आप इस चैनल पर वीडियोस पिछले 8 महीनों से देख रहे हैं, मैं आपसे 10 मिनट से बात कर रहा हूं, वह 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है, तो ये क्या है कि कर तो रहा है लेकिन स्पेशल बात क्या, पूछेंगे कि सर यहां पे आपने कहा था कि काम कर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाना चाहिए, लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों, क्योंकि इसमें एक एडिशनल चीज है, एक चीज डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग जोड़ा गया है, वो है टाइम। क्या जोड़ा गया है, टाइम। मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं यही होता तो आई एम टीचिंग होता, 15 मिनट जोड़ दिया, 15 मिनट्स जोड़ दिया, तो इसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा इस टेंस का, हम सीधा कंटिन्यूअस में नहीं जा सकते। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस v0 ing प्लस
कोई भी चीज जो जोड़नी है आपको, और फिर आपको फोर या सिंस के साथ टाइम लगाना है। ये मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन में कि फोर या सिंस कहाँ लगता है, जब इंडेफिनिट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम का नाम नहीं है तो फोर लगा दीजिए, टाइम का नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, डेफिनेट टाइम है, क्या लगाना है, सिंस। तो देखिए मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स कोई टाइम का नाम नहीं है, 15 मिनट है, पता नहीं कौन से कहां से शुरुआत हुई है, तो फोर का प्रयोग करेंगे। अभी हैव बीन टीचिंग क्यों लगाया, क्योंकि आई के साथ में हैव बीन क्यों लिया, एम क्यों नहीं लिया साहब, आई एम टीचिंग। अगर आप स्पोकन में बोले आई एम टीचिंग फॉर 15 मिनट्स, बोलते हैं लोग, चलता है बिना ग्रामर के रूल के, लेकिन ग्रामेटिकल अगर बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, और आप भी अवॉइड करें। बिल्कुल सही तरीका यही है कि जब टाइम जुड़ जाता है वहां पे इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं हैज बीन और हैव बीन का। तो फॉर 15 मिनट्स जोड़ दिया, इसका मतलब आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स। अगर 15 मिनट हटा दिया जाए, मैंने इस पोर्शन को हटा दिया, सपोज इसको हटा दिया मैंने यहां से, तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे आम टीचिंग। ओके, अब बनाइए इसका नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या तरीका, सीधा हेल्पिंग वर्ब के पास जाइए, नॉट लगा दीजिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब और नॉट जोड़ दीजिए, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स। इंटरोगेटिव में क्या कर लीजिएगा, इंटरोगेटिव में आप उसको बाहर निकाल लीजिए, किसको, हेल्पिंग वर्ब को, तो क्या बनेगा, हैव आई बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स। अभी आप बनाइए इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो क्या करना है, सब्जेक्ट के ठीक बाद में क्या प्लेस करना है, नॉट, तो हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स। नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब में हमेशा, याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब की उपस्थिति नहीं है तो हम नॉट अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये चीजें बनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार चीजें हम पढ़ चुके हैं। मैं एक बार क्विक रिव्यू बताता हूं आपको कि कैसे हमने चार चीजें पढ़ी हैं। मैं पढ़ाता हूं आई टीच, मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग, मैंने पढ़ा लिया है आई टॉट, मैं आधा घंटे से पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग फॉर 30 मिनट्स। क्लियर है, एक और सेंटेंस देखते हैं, वह खेलता है ही प्लेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह खेल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही इज प्लेइंग, वह खेल चुका है उसने खेल लिया है ही हैज प्लेड, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, और वह दो घंटे से खेल रहा है ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो ये प्रेजेंट हमने कंप्लीट कर लिया है, चलिए मूव ऑन। तब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट कह दीजिए, सिंपल पास्ट कह दीजिए, पास्ट सिंपल कह दीजिए, एक ही बात है। अब देखिएगा साहब, इसमें क्या होता है कि इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका हूं, तो सर कौन सा सेंटेंस पास्ट में लेके जाएं, बहुत सिंपल है, अगर प्रेजेंट तक प्रभाव है, इफेक्ट है, तो लेके जाएं प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट तक उसका इफेक्ट नहीं है तो किस में लेके जाएं, पास्ट इंडेफिनेट में। मैंने मूवी देखी, अभी थोड़ी ना, मैंने मूवी देख ली है, अब याद कर रहे हैं उस बात को, मैंने मूवी देखी, पास्ट, प्रेजेंट तक नहीं आता है तो वो कहलाता है पास्ट, और जो प्रेजेंट तक आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, इसके लिए क्या होगा, कुछ हिंट्स मिलेंगे, आ ई ए, ये कुछ हिंट्स होने चाहिए, जैसे कि वह दिल्ली गया आ, ओके, वे यहां आए ए, उसने खाना बनाया आ, तो इस प्रकार के साउंड्स आएंगे, पास्ट की घटनाएं होंगी वो पास्ट इंडेफिनेट में जाएंगी। इसके लिए क्या बनाना है आपको, आपको फॉर्मूला चाहिए सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। सब्जेक्ट प्लस वी टू लगाना है साहब, तो सब्जेक्ट प्लस वी टू, वी टू वॉट, वॉट वी टू, वी टू फॉर्म सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं जयपुर गया, आई वेंट टू जयपुर, तो मैं जयपुर गया आ का साउंड है, पास्ट इंडेफिनिट में लिया है। अभी इसको बनाइए नेगेटिव, मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब लेके आइए, तो V1 का जब क्या किया था डू, और V1 S और यस का डू का डज, अब V2 तो डू का ही V2 फॉर्म लेके आ जाओ, क्या बनेगा डिड, यस, पास्ट इंडेफिनेट में विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, डिड, सो क्या करेंगे आई डिड नॉट। अभी देखिएगा जब डू डज डिड आता है तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, तो जैसे कि डिड आ गया तो ओरिजिनल फॉर्म इसका क्या है, गो टू जयपुर। इंटरोगेटिव क्या बनाएंगे, डिड को बाहर निकालेंगे, तो डिड आई
गो टू जयपुर। और इंटरोगेटिव नेगेटिव आप क्या बनाएंगे कि हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, तो डिड आई नॉट गो टू जयपुर। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं, उसने गाना गाया, ही सैंग अ सॉन्ग, गाया आ ही सैंग अ सॉन्ग पास्ट इंडेफिनेट। उसने गाना नहीं गाया, ही डिडंट सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया, डिड ही सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना नहीं गाया, डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार के सेंटेंसेस किस में बनेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में। ओके अगला प्रकार देखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस कह दीजिए, पास्ट प्रोग्रेसिव कह दीजिए, जैसा प्रेजेंट में था वैसा इसमें है, पास्ट में जो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है वो कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद वॉज या वर यूज करते हैं, और कंटिन्यूअस जहां नाम आता है वहां जरूर ये सिस्टम तो मिलना ही है आपको। अगर आपको कंटिन्यूअस नाम दिखाई देता है इसका मतलब आईएनजी मिलेगा, आईएनजी किस में लगेगा, वर्ब में, और तो कहीं आईएनजी लगाते नहीं है, तो ये वर्ब प्लस आईएनजी और जो भी रिक्वायर्ड हो। वॉज कहां लगाना है जल्दी से देखिएगा, वॉज लगाते हैं सिंगल सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट और नेम, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हम बात करते हैं कुछ अलग सब्जेक्ट्स मिल जाएं, जैसे यू हो, वी हो, दे हो, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो क्या अप्लाई किया जाएगा, वर। ओके ये वर का है, समझ में आ रहा है आपको, वर लगाते हैं जब ये सब्जेक्ट्स होंगे, वॉज लगाते हैं जब ये सब्जेक्ट्स होंगे। अब कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है साहब, कि कंडीशनल सेंटेंस में जो जहां पे वॉज आ रहा है वहां भी वर आ जाता है, वो कंडीशनल सेंटेंस की बात है, सिंपल सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आपको यहां यही याद रखना है। क्या पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि दिए गए सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूअस में लेके आए। जैसे मैं पढ़ा रहा था, जब वो आए तो मैं पढ़ा रहा था, अब जब वो आए तो पास्ट की घटना है, रहा था, ओके वन रहा था, जब मैं जब वे घर पहुंचे मैं सो रहा था, पहुंचे पास्ट, सो रहा था, तो रहा था, रहे थे, रही थी, ये चीजें चलेंगी किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। कोई भी काम कर रहा था, कर रहे थे, कर रही थी, इस प्रकार की चीजें चलती हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हमने लिया कि वह गाना गा रहा था, क्या बनाइएगा, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक और वाक्य देखिए, वे टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग द टेलीविजन। ओके आप सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज टेकिंग फूड, आई वॉज टेकिंग डिनर, जिस भी समय का खाना है। तो ये क्या चीज लिया मैंने, ये लिया है पास्ट कंटिन्यूअस के एक्शंस, क्योंकि सभी के अंदर क्या है, कर रहा था, कर रहे थे, कर रही थी, ऐसा कोई सेंस निकल रहा है। ही जब लगाया तो सिंगुलर है तो वॉज लिया है, दे लगाया तो प्लुरल है तो वर लिया है, यू है तो प्लुरल है तो वर लिया है, आई है यहां पे सिंगुलर बन जाता है तो वॉज, पास्ट में आए सिंगुलर की तरह बिहेव करता है इसलिए वॉज। ओके अब इनको बनाइए आप नेगेटिव, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है। ओके पहला क्या बनेगा, ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, दूसरा क्या बनेगा, दे वर नॉट वॉचिंग द टीवी, तीसरा क्या बनेगा, यू वर नॉट स्लीपिंग, फोर्थ क्या बनेगा, आई वॉज नॉट टेकिंग फूड। जैसे बनाना इंटरोगेटिव क्या बनाइएगा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालिए, वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, वर दे वॉचिंग द टीवी, वर यू स्लीपिंग, वॉज आई टेकिंग फूड। इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नॉट, तो वॉज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वर दे नॉट वॉचिंग द टीवी, वर यू नॉट स्लीपिंग, वॉज आई नॉट टेकिंग फूड। क्लियर है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इसमें जो भी एक्शन कंप्लीट हो गया, पास्ट परफेक्ट थोड़ा आपको लगता है कि ये कैसे, पास्ट इंडेफिनिट में और परफेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर लगेगा, क्योंकि इसमें आपको लगता है कि कौन सा एक्शन लेके जाएं पास्ट इंडेफिनिट में, कौन सा लेके जाएं परफेक्ट में। मैंने खाना खाया, ये भी तो पास्ट है, मैंने खाना खा लिया था, खा चुका था, ये भी तो पास्ट है। लेकिन देखिए दो एक्शन बताता हूं आपको कि जब मैं थिएटर पहुंचा तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, मूवी वहां पे समाप्त हो चुकी थी, यो मान लीजिए जब मैं थिएटर पहुंचा तो मूवी समाप्त हो चुकी थी।
तो थिएटर पहुंचने से पहले ही मूवी समाप्त हो गई, तो जो काम पहले हुआ है द एक्शन दैट टेक्स प्लेस अर्लियर देन द नेक्स्ट वन देन व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। जैसे मैं कहूं यहां पहुंचने से पहले वह जा चुका था, तो पहुंचने का काम बाद में हो रहा है, जाने का काम पहले हो रहा है, जो काम पहले होता है उसको किस में लेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो जो ये याद रखिएगा कि इस प्रकार से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप इसको अलग अलग कर सकते हैं कि जो काम पहले हो चुका है वो पास्ट में जाएगा परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस जो भी रिक्वायर्ड है। फिर से देखिएगा, एच आ गया तो वी थ्री का प्रयोग मैंने बताया था आपको, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वी थ्री को, जो थर्ड फॉर्म है उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री, क्लियर है। अभी देखिएगा, अभी हमने सेंटेंस बनाया कि उसके आने से पहले, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो ही हैड गॉन, ही हैड गॉन किससे पहले, मेरे आने से पहले, बिफोर आई came, he had gone before I came। यो कहे कहा जाए कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो द पेशेंट किसका काम पहले हुआ, पेशेंट का मरने का, तो द पेशेंट हैड डाइड, ये चला गया पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद जो काम हुआ किस में लेकर जाइएगा, पास्ट इंडेफिनेट में, बिफोर द डॉक्टर केम। इस प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे, जो काम पहले हो गया हैड गॉन, had died, जो काम बाद में हुआ V2 form, came and came, clear है। negative बनाइए इसका, तो negative किसका, he had not gone, the patient had not died, interrogative बनाइए, had he gone, had the patient died, interrogative negative बनाइए, तो had he not gone, had the patient not died। ये मैं इसलिए बता रहा हूं जल्दी से क्योंकि आपको समझ में आ चुका है, negative बनाने के लिए helping verb plus not, इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को किससे रखना है, सब्जेक्ट के पहले, ये सब्जेक्ट इसके पहले, नोट लगाना है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद में, किसमें, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके, तो ये चार प्रकार बनेंगे इसके। अगला प्रकार जो पास्ट का नेक्स्ट लास्ट प्रकार है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहां परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा दोस्तों, वहां जरूर याद रखिएगा कि वहां आपको टाइम मिलेगा, क्या मिलेगा, टाइम, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिला था। टाइम की उपस्थिति में कोई काम कंटिन्यूअस चलता है उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेकर जाते हैं। जैसे कहा जाए कि जब मैं यहां आया तो वह दो घंटे से पढ़ा रहा था, ओके, तो वह दो घंटे से पढ़ा रहा था, तो ही हैड बीन टीचिंग फॉर टू आवर्स। तो ये देखिएगा, जब मैं यहां आया तो when I came here, he had been teaching. I found that he had been teaching for 2 hours. तो ये past का action तो है ही, और time लगा रखा है, इसलिए हमने किस में लिया, perfect continuous में। तो इसके लिए क्या है, वही रहा था, रहे थे, रही थी, यही पहचान है, लेकिन इसको कब शामिल करना है, जब time हो, time नहीं हो तो past continuous। अब इसके लिए क्या structure बनेगा, subject लेंगे, had been लीजिएगा, उसके बाद में V0 के साथ ing apply करना है, और फिर आपको लगाना है जो भी आपको रिक्वायर्ड है, एडवर्ब या कॉम्प्लीमेंट या जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आप लगाइए फॉर या सिंस और टाइम, ये आपका बनेगा स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर है, सेम फॉर्मूला है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम लिया था, तो यहां क्या अलग, यहां हैड बीन अलग, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, ये पास्ट है वो प्रेजेंट था। चलिए एक वाक्य बनाया हमने, ही हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, बना दीजिए नेगेटिव, क्या बनाइएगा, सीधा आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दो, तो ही हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव बनाइए, किसको बाहर निकालेंगे, यस हेल्पिंग वर्ब को, तो हैड ही नॉट बीन टीचिंग, और किसको बाहर निकालेंगे, अब की वर्ब की क्या करेंगे, नॉट कहां लगाएंगे, सीधा सब्जेक्ट के बाद में, तो हैड ही नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने दो टाइम पढ़ ली है, प्रेजेंट चारों एस्पेक्ट, पास्ट चारों एस्पेक्ट, फ्यूचर की तरफ मूव करें। देखिएगा, फ्यूचर में पहला फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर सिंपल, तो इसके लिए देखो क्या होता है साहब, आपको सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में आप लगाइएगा विल या शैल, फिर आप लगा दीजिए V0 बेस फॉर्म जिसको बोलते हैं, बेस फॉर्म, फिर इसके बाद में लगा दीजिए आप
जो भी आपको रिक्वायर्ड है। विल और शैल में से जनरली क्या होता है? आई और वी में हम लगाते हैं शैल, आई वी के अतिरिक्त कोई भी सब्जेक्ट क्या लगाते हैं? विल। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आई में विल मिल जाए, मॉडर्न इंग्लिश में आई में विल आ सकता है, कुछ कंडीशंस और होती है, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, ये सब चीजें हो तब भी हम आई में विल लगा देते हैं और वी में विल लगा देते हैं, तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन जनरली जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। बेसिक की बात कर रहे हैं हम, तो बेसिक इसका यही फॉर्मूला बनता है। इसके अलावा जो फ्यूचर सिंपल टेंस है एक तरीके से और व्यक्त कर सकते हैं, आपके जो भी इंटेंशन है, प्लानिंग है, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग है। जैसे मैं कहूं कि मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप यूज कर लीजिएगा ये, पढ़ाऊंगा आई विल टीच अ न्यू टॉपिक, आई शैल टीच अ न्यू टॉपिक, और मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू टॉपिक। तो गोइंग टू फॉर्म भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो कई बार इसका फॉर्मूला यूं बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वी वन वी जीरो बेस फॉर्म प्लस जो भी आवश्यकता है। ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों ही मिल सकते हैं आपको। ये भी फ्यूचर सिंपल को व्यक्त करता है, ये भी फ्यूचर सिंपल को व्यक्त करता है। इनमें डिफरेंस क्या है बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम। तो ये आपको याद करना है, इस प्रकार से इसको देखना है, क्या पहचान है कि फ्यूचर सिंपल का ही चुनाव करें। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूं, आप पढ़ेंगे, पढ़ेंगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, गे मैं पढ़ाऊंगा गा, वह आएगी गी, तो गा गे गी एक्शन के तुरंत बाद में आए तो फ्यूचर सिंपल हुआ, बहुत ही सिंपल सी बात है, और फ्यूचर का एक्शन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा, मैं एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आई शैल टीच अ न्यू टॉपिक। ओके, वह यहां आएगा, ही विल कम हियर। समझ में आ रहा है आपको? नेगेटिव बनाइएगा, समझ में आ गया आपको, बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप लगा दीजिए नोट कहां पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। इंटरोगेटिव बनाइए, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लो। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करिएगा, नोट लगाना है सब्जेक्ट के बाद में। तो आई शैल नॉट टीच अ न्यू टॉपिक, नेगेटिव सेंटेंस। शैल आई टीच अ न्यू टॉपिक, इंटरोगेटिव। और शैल आई नॉट टीच अ न्यू टॉपिक, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ही विल नॉट कम हियर, नेगेटिव। विल ही कम हियर, इंटरोगेटिव। Will he not come here? Interrogative, negative. ये आप लगातार बनाते जाइएगा, बार बार में लाउड आप होकर बोलिएगा, लाउड वॉइस में अगर बोलेंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना आएगा, ट्रांसलेशन आएगी, बोलते समय गलतियां नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट देखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसके लिए देखिए आप इमेजिन करते हैं कुछ चीजें, कि जैसे मानिए कि कल इसी समय मैं नया टॉपिक अपलोड कर रहा हूंगा, ये मेरा इमेजिनेशन चल रहा है कि इसी मोमेंट पे कल एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूंगा, शाम को आप पढ़ रहे होंगे। ओके, तो फ्यूचर की कोई भी चीज आपको इमेजिन करनी है कि ऐसा हो रहा होगा, तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये इसके पहचान है, नोट कर लीजिएगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, क्या कहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके लिए क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी। चूंकि मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस जहां लगता है वहां क्या लगाते हैं, आई एन जी, तो यहां लगाइएगा वी आई एन जी प्लस जो भी रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे इसमें। जैसे मैं पढ़ा रहा हूंगा तो आई शैल बी टीचिंग, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, वे सो रहे होंगे, दे विल बी स्लीपिंग। ओके, वही आई और वी में शैल, बाकी में विल, तो आई में मैंने शैल यूज किया है, बाकी मैंने विल यूज किया है। नेगेटिव बनाने के लिए आप नोट लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में। तो आई शैल नॉट बी टीचिंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग, दे विल नॉट बी स्लीपिंग। इंटरोगेटिव में क्या कीजिएगा, इंटरोगेटिव में बाहर निकाल लाइए हेल्पिंग वर्ब को, शैल आई बी टीचिंग, विल ही बी प्लेइंग, Will they be sleeping? Interrogative negative में subject के बाद में not. तो shall I not be teaching? Will he not be playing? Will they not be sleeping? ऐसा कुछ sentences चारों बन जाएंगे। Next हम लेते हैं future perfect. Future perfect. अभी इसमें आप imagine करिए कि जैसे मैं कहूं कि आज आपने कोई book पढ़ना start किया है और आप इमेजिन कर रहे हैं कि ये बुक आप इस महीने के अंत तक कंप्लीट कर चुके होंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस को लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट में।
ओके okay, आज आपने बुक स्टार्ट किया, पहला पेज आपने पढ़ना शुरू किया है और आपकी ये उम्मीद है, आप सोच रहे हैं कि इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल हैव कंप्लीटेड द बुक, यू विल हैव रेड द होल बुक, तो ये क्या है, ये है फ्यूचर परफेक्ट। तो इसके लिए क्या होगा, कोई भी काम हो चुका होगा, कंप्लीट तो है क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब क्या बताया, पूर्ण, कंप्लीट, कंप्लीट है लेकिन कब है, फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका हो, तो ये इमेजिनेशन तो है, तो चीजें वही हैं, वैसा ही है लेकिन फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट का फर्क पड़ रहा है, तो हो चुका होगा। इस महीने के अंत तक मैं आपको दो टॉपिक और पढ़ा चुका हूंगा, 2019 तक आप सारे के सारे ऑफिसर्स बन चुके होंगे, ओके, तीन महीने के बाद, तीन महीने में आप इंग्लिश सीख चुके होंगे, तो ये सब चीजें चलेंगी, इसमें चुका होगा, चुके होंगे, कर लिया होगा, कर लिए होंगे, ये सब चीजें इसमें हिंट्स का काम करेंगी। इसके लिए क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस V3 प्लस जो भी रिक्वायर्ड हो। देखिएगा, हैव जरूर आता है, हैव की कोई फॉर्म आती है जब जब परफेक्ट की बात हम करते हैं, जहां भी परफेक्ट लगाया वहां पे हैव आया, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। V3 क्यों, क्योंकि एच आ रहा है, बताया मैंने, एच आएगा V3 आएगा। तो देखिए, आई शेल हैव टॉट दिस टॉपिक या टॉट टू टॉपिक्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक मैं दो टॉपिक्स पढ़ा चुका हूंगा, ओके तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आई शैल नॉट हैव टॉट, मैं इस महीने के अंत तक तो नहीं पढ़ा चुका हूंगा, नहीं पढ़ा रहा हूंगा, नहीं पढ़ाया गया होगा, तो क्या आई शैल नॉट हैव टॉट, इंटरोगेटिव, क्या मैं पढ़ा चुका हूंगा, शैल आई हैव टॉट, क्या मैं नहीं पढ़ा चुका हूंगा, शैल आई हैव नॉट टॉट, शैल आई नॉट हैव टॉट, ओके तो ये चीजें चलेंगी, इसमें आपको इस तरीके से चलना है। अभी चलिएगा लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट आया तो याद रखिएगा हैज और हैव का कुछ फॉर्म आएगा, कंटिन्यूअस आया याद रखिएगा वी के साथ आईएनजी आएगा, यही तो हमने सीखा है अब तक। मैंने क्या कहा, परफेक्ट कंटिन्यूअस साथ में आएगा तो टाइम जरूर आएगा, तो फोर सिंस भी आने वाला है, सब कुछ मिलेगा। तो आप दो घंटे से सो रहे होंगे, ये इमेजिनेशन चल रहा है, टाइम के साथ में चल रहा है, सो रहे होंगे कितने समय से, दो घंटे से, तो यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर टू आवर्स। अभी याद रखिएगा, देखिए यहां पे हैज नहीं आने का है क्योंकि मॉडल्स के साथ में बेस फॉर्म यूज करते हैं और बेस फॉर्म हैव होती है, हैज नहीं होती है, इसलिए हमेशा हैव का याद करना है, हैव काम में लेना है। तो यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर टू आवर्स, वे सुबह 9 बजे से खेल रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 9 AM। तो ये देखिएगा, यहां पे सिंस 4 आया क्योंकि टाइम आ रहा है, अगर डेफिनेट टाइम है सिंस का प्रयोग किया है, इनडेफिनेट है तो 4 का प्रयोग किया है, और आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस है, हैव क्योंकि परफेक्ट है, सब कुछ तो आ गया आपको समझ में, तो इस प्रकार से बनाना है। नेगेटिव क्या बनाइएगा, नेगेटिव में नोट लगा दीजिए हेल्पिंग के तुरंत बाद, इंटरोगेटिव में क्या, हेल्पिंग आपको बाहर निकाल लीजिए, केवल विल को बाहर निकालना है, केवल विल को निकालना है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या, विल दे नॉट हैव बीन, Will you not have been, इस प्रकार से बनाना है। तो ये आपको बताना आ गया है, सॉरी यहाँ पे हेल्प नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू विल हैव नॉट बीन स्लीपिंग, ठीक है, यू दे विल नॉट हैव बीन, दे विल हैव नॉट बीन, दे विल नॉट हैव बीन मीन्स हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में आपको नॉट अप्लाई करना है, ओके तो ये कुछ चीजें बताई मैंने आपको टेंसेज में। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि जितने भी आपने सीखे हैं 12 कंडीशन, एक ही सेंटेंस को 12 कंडीशंस में लेके जाएं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मानिए आपने बनाया एक सेंटेंस, बनाया वह अंग्रेजी सीखता है, इसी को लेके जाइए 12 कंडीशन में। जब कंटिन्यूअस में लेके जाऊंगा क्या बनाऊंगा इस सेंटेंस को, मैं वह अंग्रेजी सीख रहा है। परफेक्ट में लेके जाऊंगा क्या बनाऊंगा, उसने इंग्लिश सीख ली है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में वह इंग्लिश 2 महीने से सीख रहा है, ओके अगला लिया मैंने पास्ट इंडेफिनेट, तो उसने अंग्रेजी सीखी, वह अंग्रेजी सीख रहा था, वह अंग्रेजी क्या, वह अंग्रेजी सीख लिया था उसने या सीख चुका था, और या फिर वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था। वह अंग्रेजी सीखेगा,
वह अंग्रेजी सीख रहा होगा, वह अंग्रेजी सीख चुका होगा, वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा होगा। तो ये 12 कंडीशंस में लेके जाओ एक ही सेंटेंस को, सारे सेंटेंसेस बनाइए, चार चार पार्ट बनाइए, तो 12 कंडीशन के इंटू 4 48 सेंटेंसेस बनेंगे। और मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ताकि आप और सेंटेंसेस बना पाए। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, जीरो लेवल लिया है, आपको समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में ये गुत्थी है क्या। ओके, ये पजल, ये एक जो पजल रहती है बच्चों के लिए कि सर ग्रास रूट लेवल से पढ़ाइए, जीरो से पढ़ाइए, टाइम टेंस हमें नहीं आते हैं, तो देखिएगा टाइम टेंस बहुत आसान है। एडवांस लेवल पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है, उस लिंक से हमारे जुड़ जाए टेलीग्राम से, ताकि आपको पीडीएफ मिल सके, इसकी एक्सरसाइजेस मिल सके, वो आप हल कर सकें और आपको समझ में आए। जो सेंटेंस आपको नहीं बनाना आ रहा है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बहुत सिंपल सिंपल बताया मैंने, सकारात्मक वाक्य बनाओ, नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में नॉट अटैच कर दीजिए, नॉट स्टिक कर जोड़ दीजिए। तीसरा बताया इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाओ और इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के ठीक बाद में नोट लगा दीजिए। दैट्स ऑल। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे सेशन। सी यू अगेन इन द न्यू सेशन। टिल देन गुड बाय, नमस्कार।